अगर आप अपने घर से दूर किसी किराए के कमरे में रह रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनजान लोगों पर या किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि भरोसा और इंसानियत दोनों ही लोगों में नहीं है। एक ऐसी घटना सामने निकल कर आया है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ आचल श्रीवास्तव। दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही एक लड़की जब अपने घर जाती है तो फ्लैट की चाबी मकान मालिक के बेटे को देकर जाती है। ऐसा उसने कई बार किया था। करीब 3 महीने पहले मकान मालिक के बेटे ने इसका फायदा उठाते हुए लड़की के कमरे और बाथरूम में बल्ब होल्डर के अंदर 2 स्पाई कैमरे फिट कर दिए थे। जब लड़की को कुछ शक हुआ तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक छात्रा को पहली बार तब शक हुआ जब वो अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी। उसके व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसकी वजह से उसे शक हुआ था। दरअसल कई ऐसे मैसेजेस थे जो उसने पढ़े नहीं, लेकिन जब उसने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो मैसेजेस पर नीला टिक आया हुआ था। डीसीपी अपूर्वा ने बताया कि छात्रा को इसके अलावा भी कुछ संदिग्ध गतिविधि अपने व्हाट्सएप पर नजर आई। बेटी की कंप्लेंट मिली थी कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पर रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमिजिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़कर जाती थी जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनसे उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमरास परचेज किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उसने अपने किसी जानकार से बात की और जब उसने लड़की का व्हाट्सएप अकाउंट चेक किया तब उसने बताया कि यह अकाउंट किसी और लैपटॉप पर भी लॉगिन है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि लड़की करण के ऊपर पूरा विश्वास करती थी। करण कौन? मकान मालिक का बेटा, और उसके फ्लैट पर आया जाया भी करता था। तो अंदेशा इस बात का है कि किसी दिन मौका देखकर उसने पीड़िता के मोबाइल पर व्हाट्सएप को स्कैन कर अपने लैपटॉप पर लॉगिन कर लिया था और तभी से वह छात्रा के सभी मैसेजेस पढ़ रहा था। दिल्ली पुलिस ने जब करण से पूछताछ और छानबीन की तो करण के पास से पुलिस को एक स्पाई कैमरा मिल गया और साथ ही साथ 2 लैपटॉप मिले। बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी करण दिव्यांग है, पिछले 7 साल से UPSC की तैयारी कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अकेले फ्लैट लेकर किराए पर रह रही छात्राओं और महिलाओं को सतर्क और सजग रहने की सलाह दी है। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जर्नी टाइम्स।